गाइस एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमार देरी आप सभी का स्वागत करता हूं। एच पी जी इनकी बात करूं तो मैं हूं अभी सोनमुड़ा। आप सोनमुड़ा से यहां से 200 और 250 मीटर की दूरी में माई की बगिया, तो माई की बगिया जाने वाले हैं और सोनमुड़ा में आते हैं नज़ारे को इंजॉय करने। तो सुबह 6:30-7 बजे आइएगा, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सूर्योदय होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं माई की बगिया के लिए। माई की बगिया साइड, इस साइड से और हमारे राहुल भाई साहब और हमारे बजरंगबली जी, कैसे हैं आप? ऐसा सुंदर सा लोकेशन है जो भाई सच में एक अयोध्या से पंडित जी आए हुए थे, वो बता रहे हैं पूरा ये तो मनाली है ही है, पूरा मनाली टाइप का पूरा लोकेशन, हमारे एमपी छत्तीसगढ़ का मनाली है बोल सकते हैं। सूर्योदय हो गया है यहाँ पे। अरे साहब, हमारे टाइम में सूर्य महाराज पता नहीं क्यों नहीं उदय हुए थे। और जो भाई लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल करके, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्टीमेट भाई सच में। टेंट बिलासपुर की, ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ियाँ जो जितनी भी दिख रही हैं मेरे को बिलासपुर का लोकेशन का गाड़ियाँ ज़्यादा आती दिखती हैं हमको। और आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे हिरन उरन देखने को मिल सकता है। ये देखिए फोटो तो लगी हुई है, क्योंकि पूरा जंगली पहाड़ी एरिया भाई, अप डाउन कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होते हुए हम लोग जाते हैं पहाड़ों से, और सुंदर सुंदर नज़ारे को इंजॉय करते हैं। यहाँ पे लिखा है माई की बगिया, तो ये लोकेशन है माई की बगिया का, औषधि भंडार है। आगे है माई की बगिया, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माई की बगिया में। अरे वाह, सुंदर सा पूरा लोकेशन, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी की जाए उसके बाद आगे चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माई की बगिया में, और ये जो माई की बगिया है यहाँ पे नर्मदा माता और गुरु बकौली दोनों सहेलियाँ रहती थी, यहाँ पे खेलने आती थी। यहाँ पे लिखा है माई की बगिया, हम लोग सोनमुड़ा की तरफ से, और ये वाली रूट जाती है आपकी जैन मंदिर सिटी के लिए। तो माई की बगिया का पूरा लोकेशन, यहाँ पे मंदिर वंदिर है, और यहाँ ये है माई की बगिया का कुछ लोकेशन, यहाँ पे मंदिर वंदिर है बहुत सारे और बहुत सुंदर लग रही है। हमारे बजरंग बली, तो आप बजरंगबली जी के दर्शन के लीजिए, जय हो बजरंगबली, जो भी आपकी मनोकामना मान सकते हैं। कुछ एक बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ हैं, और बोल सकते हैं तो यहाँ पे पूरी औषधियाँ हैं, महुए का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बहुत सारी जितने भी यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं सब औषधि के काम आता है, आँख की रोशनी के लिए आता है और बहुत सारी बीमारियों के लिए काम के लिए आता है, इसी को पूरा माई की बगिया बोलते हैं। इस प्रकार का सुंदर सा पूरा लोकेशन है यहाँ का, नामिनी देवी नर्बेत, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये माई की बगिया स्थान है, माई यहाँ बाल स्वरूप में बचपन में यहाँ खेलने आया करती थी, ये माई की बगिया स्थान का नाम पड़ा है। ओके, है ना? और ये सामने जो गुलबकावली आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, माई की सहेली। ओके ओके, ये गुलबकावली से आंख के लिए अर्क बनाए जाते हैं, दवाई बनती है गुलबकावली, गुलबकावली गुलबकावली माई की सहेली, जो अभी अभी ये पौधे के रूप में, पौधे के रूप में यहाँ पे स्थापित है। नर्मदा जी कुंड है, ये नर्मदा कुंड है, ये चरणदा कुंड, आहो ये टी कुंड,
शिवकुंड बोलते हैं, शिवकुंड चौथा आम कुंड के नीचे से। अच्छा, धुनी कई वर्षों से पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, प्रथम नर्मदा चरणोदय कुंड, सिंधु कुंड, ओके, चार कुंड। बाहर कुंड बनाया हुआ जो परिक्रमा मारती है, यात्री बनाते हैं अपना स्नान ध्यान वहाँ करते हैं। ओके, तो गाइस ये है नर्मदा कुंड, जो कि यहाँ पे उद्गम स्थल है, काफ़ी शिवलिंग महाराज जी हैं यहाँ पे स्थापित हैं। दिख रहा है ये पूरा गुलबकाउरी, जो कि आँखों की रोशनी के लिए इनकी औषधि का उपयोग किया जाता है इस पेड़ों को। तो ये गुलबकाउरी हैं नर्मदा माता जी की सहेली, तो इस रूप में यहाँ पे स्थापित हैं। ये शिव कुंड है यहाँ पे, और ये है आम कुंड, ये जो कि यहाँ पे आम से पूरा पेड़ है, इसलिए इसको आम कुंड बोला गया है। तो इस प्रकार का सब कुछ दिख रहा है भाई, माई की बगिया। इसको क्या आप क्या बोले थे? ये धुनी है, धुनी है, धुनी क्या है? बाल स्वरूप में यहाँ विशेष कन्या भोज होता है। ओके, ये शुद्ध धुनी है पूरा, कई वर्ष निरंतर कभी नहीं बुझी। अच्छा, आज भी प्रज्वलित है, कभी नहीं बुझी यहाँ पे, हजारों जमाने से जब से यहाँ पे माता जी आई थी तब से प्रज्वलित हुई हैं, तब से चलते आ रहा है, कभी बुझी नहीं है। साधु संतों के जरिए रहा, साधु संतों के मजा नहीं आया, जब शासन के हाथ में आया तो शासन प्रशासन के कर्मचारियों के जरिए चल रहा है, आगे तक चलती रहेगी। हाँ, जो अंदर कुंड जो है, कुंड जो है, कुछ इस प्रकार का माई का बगिया का पूरा लोकेशन है मेरे के यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, सब अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, क्योंकि ये पूरे जितने भी पेड़ हैं औषधि के काम में आते हैं, सब अलग अलग बीमारियों के काम में आते हैं। तो ऐसा कुछ माई की बगिया का पूरा लोकेशन दिख रहा है, सुंदर। तो उस साइड भी चलते हैं, उस साइड भी आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का लोकेशन है, सुंदर सा। तो ये पूरा चारों तरफ आपको एक बार घुमा के दिखाते तो हूँ माई की बगिया। तो कुछ इस प्रकार का पूरा माई का बगिया दिख रहा है, सुंदर सा। देखिए ये तो नर्मदा जी प्रवाहित है, मेन कुंड आपका जो है नर्मदा मंदिर, वहाँ से उद्गम हुआ जो डैम बनाए गए हैं। डैम के सहारे कहाँ निकलती है, वहाँ से कपिल धारा के बाद से वहाँ से दूध धारा से फिर वो वहाँ बीच में कहीं लुप्त भी हैं, फिर तो आगे जाकर बहुत विशाल स्वरूप में है, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हैं। यहाँ जिनके क्या है बाल स्वरूप में थी, तो यहाँ इनका जो स्थान बना ये माई की बगिया, तो ये माई की बगिया में क्या है ना, इनका विशेष जो है बाल स्वरूप के जो भी इनके खेलने का जो समय बीता वो इनके बगिया स्थान यही थी, आधुनिक युग में गार्डन कह लीजिए। ये उनकी यहाँ पे एक महिमा है, यही बाल स्वरूप में रही हैं, तो यहाँ का एक अलग ही। और ये जो नर्मदा कुंड से जो पानी निकला ये जाके गंगा मैया में, नहीं गंगा में क्यों मिलेगा, सागर में, नर्मदा जी किसी में नहीं मिलती है। अच्छा, नदियाँ सभी तो सागर में समाहित हुई ना, लेकिन नर्मदा जी एकमात्र नदी है जो किसी नदी में नहीं मिली। अच्छा, उनका अपना ये उल्टी दिशा में बैठी है। तो गाइस यहाँ जो अमरकंटक का पूरा लोकेशन है, ये लोकेशन बारह महीने ऐसे ही रहता है, कहीं पे धूप रहता है, कहीं पे बारिश होती है, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया बारह महीने ऐसे ही रहता है। और तो माई की बगिया का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।